जब कर दी कलेक्टर साहब ने ये देख कह दिया, स्वीकार कर लिया कि कोई आरोप पर जांच कौन करेगा, एसडीओ पे खुद पे आरोप, उसकी जांच कौन करेगा? तहसील में आया तो तहसीलदार जी के कार्यालय में भीड़ लगी थी, सारे कर्मचारी तहसीलदार जी कार्यालय में थे और तहसीलदार जी रो रहे थे, भबक भबक के रो रहे थे। उनको क्या कि इमोशनली टॉर्चर किया जा रहा बार बार, कोई बनवार लाल ढेवा है, कोई मांझू नाम से, वो बार बार शिकायत करता है। एक बार उसकी शिकायत को कलेक्टर साहब ने निराधार साबित कर दिया कि झूठी शिकायत है। उसके बाद जब भी कोई जिले के दौरे पर कोई भी सरकार का आला अधिकारी आता है तो उसको वो बनवार लाल ढेवा दोबारा दे देता है शिकायत, दोबारा उसकी नए सिरे से दूसरे अधिकारी से जांच शुरू हो जाती है। तो एक बार ही जांच करा करो कि निश्चित करो, जो यदि गुनाह किया है उसको उसकी सजा दो। सबको बार बार टॉर्चर करने से क्या मतलब है? पहले 2 महीने पहले हमारे अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी हैं राजेश जी बजाड़, उनके साथ उनका मामला हुआ था। बनवार लाल ढेवा यहाँ आया था, उनके साथ मारपीट हुई, उसका हम ज्ञापन दे के आए थे कलेक्टर साहब को, तो उन्होंने कहा कि जल्दी इसके मामले में जल्दी गंभीर कार्रवाई, जो भी मतलब अनुचित कार्रवाई होगी। लेकिन अभी तक 2 महीने व्यतीत होने के बाद में भी कुछ नहीं हुआ। हर बार प्रशासन के द्वारा टॉर्चर किया जाना ठीक नहीं, या यदि जो तहसील के कर्मचारी प्रशासन को अच्छे नहीं लग रहे तो हम सभी यहाँ से अलग जाने के लिए तैयार है। ये मैं यहाँ चार पाँच महीने के लगभग तहसीलदार जी को मैं प्रशासन से मिलने के लिए मैंने खूब प्रयास कर लिए, वहाँ ऊपर लेवल पे सब समाचार पहुँचाने के लिए और जरिए लेकर विधिवत तरीके से मैंने अवगत सबूतों से अवगत भी करा दिया कि हमें मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है, हमारी छवि को धूमिल करने का कार्य किया जा रहा है, हमें जगह जगह बदनाम करने का कार्य किया जा रहा है। इस बनवारी लाल चौधरी के दबाव में आके प्रशासन जो ये काम कर रहा है वो शर्मनाक विषय है, क्योंकि बनवारी लाल चौधरी आज तक अपराधी है। ऐसे मामलों में जगह जगह उनकी शिकायतें हो चुकी है और फिर बनवारी चौधरी की शिकायत पे हमारी जांच रिपोर्ट राज्य लेवल पे पहुँचा दी गई है। यदि उस जांच में हम दोषी हैं तो हमें हमारे साहब के खिलाफ कार्रवाई कर लो, तो कर रहे हैं अब हम नहीं करेंगे। मैं खुद अनशन पे आमने अनशन पे बैठने की का मैं कदम उठा सकता हूँ, उधर कुछ यहाँ पे कोई आत्महत्या भी कर सकता है, इतने डिप्रेशन में आ चुके हैं सब लोग, कुछ भी हो सकता है।